हेलो नमस्कार। अभी इलेक्शन का माहौल है भारत में। 11 तारीख से लोग अपने अगले पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनने जा रहे हैं। हमारे लीडर से लोगों को कुछ शिकायतें हैं, कुछ तारीफें हैं। ऐसे में देखते हैं हमारे ये सज्जन क्या कहना चाहते हैं। इनकी कुछ शिकायत है मोदी जी से। अभी देखते हैं ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचता है कि नहीं, और पहुंचता है तो इस पर क्या होता है। तो अभी शुरू करते हैं। हेलो, आपका नाम? कुलदीप, मैं हिंदू हूँ और मैं भारतीय हूँ। एक यही मिनट एक मिनट, आप पहले अपना परिचय दे दें। मैं पूरा सर आपने नाम बताया कुलदीप, क्या करते हैं आप? मेरी अपनी कन्फेक्शनरी की शॉप है ओके, और मैं एम फिल हूँ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में, बहुत बढ़िया, मास्टर क्या ऑफ बात है, फिलोसफी। क्या बात है। तो आपने मास्टर ऑफ फिलोसफी छोड़ के आपने कन्फेक्शनरी का बिजनेस क्यों चुना? मैंने इसीलिए चुना क्योंकि ये जो शारीरिक शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसकी वैकेंसियां सरकार नहीं निकालती। हमारी शिक्षा के साथ दोहरा मापदंड हुआ, जैसे एक अनाथ बच्चा होता है वो हमारी शिक्षा के साथ हुआ है, हमारी शिक्षा को अनाथ मान लिया सरकारों ने, क्योंकि शारीरिक शिक्षा की कभी, जबकि हमारे कल्चर में होना चाहिए फर्स्ट से और 12th तक एक शारीरिक शिक्षक नियुक्त होना चाहिए हर स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी सरकारें सोई हुई हैं। इससे बहुत युवा बेरोजगार है और बहुत दुखी है, बहुत युवा ओवरेज हो गया है जिसकी अब उम्र भी नहीं रही। अच्छा, अभी हिंदुस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगले 11 तारीख से लोग अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनेंगे। इलेक्शन पे आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक भारतीय हूँ और मैं एक हिंदू हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, अच्छा, क्योंकि जाति पाति के नाम पे ही पहले भी हमारा देश जो गुलाम रहा, विदेशी अंग्रेजों के गुलाम रहे हम, इसी कारण से रहे कि वो समझते थे, वो जानते थे कि हिंदुस्तानी आदमी जाति पाति के नाम पे बटा हुआ है और इन्हें तोड़ के हम राज करेंगे, और वही उन्होंने किया। इसीलिए मैं एक हिंदू हूँ और मैं भारतीय हूँ, यही मेरी पहचान है। तो आप इलेक्शन में क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो? मैं ये कहना चाहता हूँ हर हिंदुस्तानी से, हर भारतीय से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना वोट एक ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे ऐसे राजा को दो जो देश का विकास कर सके, देश को उच्च शिखर पर ले जा सके, पूरी दुनिया में भारत का नाम हो। ओके, और तो ऐसे कैसे पता लगेगा? क्योंकि हर बारी तो लोग अच्छे को ही वोट देते हैं, वो फिर खराब निकल जाते हैं, तो क्या किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो साक्ष बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि हमारे श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को इन 5 सालों में कितना आगे ले गए हैं, चाहे उसमें रक्षा प्रणाली हो। 60 साल कांग्रेस का राज रहा, उन्होंने भी थोड़ा बहुत विकास किया, लेकिन जो विकास 5 सालों में हुआ है, जो हमारे माननीय श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण परमाणु किया था, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था, परमाणु परीक्षण जो किया था वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए, सब सबके विरोध झेल कर भी उन्होंने जो परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद अब आप रक्षा पद्धति पे आ जाओ तो जो है श्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी रक्षा पद्धति को इतना स्ट्रोंग किया है कि जिससे भी आज हम पाकिस्तान से और आने वाले समय में हम चीन से भी मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हर भारतीय को, ये तो अब साबित हो चुका है कि सारे दल, अब सारे दल एक हो चुके हैं, सारे दल एक होकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे तो साफ साफ हो जाता है कि यानी कि एक सच्चे आदमी के सामने सारे सारे झूठे एक हो गए हैं। और जब मायावती जी और जब श्री अखिलेश यादव जी एक हो सकते हैं, तो इससे ज़्यादा तो मतलब आप ये आप सबकी आंखें खुल गई होंगी कि इससे ज़्यादा राजनीति में इससे ज़्यादा कहीं नहीं इंसान गिर नहीं सकता। यह सबसे गिरावट की बात है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी और मायावती जी दोनों ही जो एक हो गए, और आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का व्यक्ति जानता है इस बात को, लेकिन जानबूझकर अंधा बना हुआ है।
तो मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, अंधे मत बनो, आप मुर्दे मत बनो। ये मुर्दों का देश नहीं है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ वीर पैदा हुए हैं, यहाँ ऐसे ऐसे राजा पैदा हुए हैं जिन्होंने आन-बान शान के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन गुलामी मंजूर नहीं की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स को वोट दो जो भारत को उच्च शिखर पर, विश्व पटल पर भारत का नाम, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं इसीलिए नहीं कह रहा, मैं भी एक व्यापारी वर्ग से ही जुड़ा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ अगर राष्ट्र और अपनी अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हो और इस राष्ट्र को हर तरह से सुरक्षित रखना चाहते हो तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को वोट दो। और जो है वही एक ऐसे राजा हैं जो देश को उच्च शिखर पर ले जा सकते हैं, बाकी नहीं तो इन्होंने तो देश को बेच के खाने का प्रोग्राम बना लिया है, सेट कर लिया है इन्हें तो ये। और गठबंधन की सरकार इतिहास गवाह है, ना कभी गठबंधन का परिवार चलता है और ना ही गठबंधन की कभी सरकार चलती है। और जिस परिवार का मुखिया स्ट्रोंग नहीं है, उस वो परिवार भी कभी नहीं चलता। परिवार का मुखिया स्ट्रोंग होना चाहिए। और यहाँ तो ये गठबंधन की ऐसी सरकार है, सारे ही मुखिया बने बैठे हैं। जिस परिवार के 10-10 मुखिया होंगे वो परिवार चल ही नहीं सकता। और जब अगर गठबंधन की सरकार बन जाती है तो हम खून के आंसू रोएंगे, फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, सरकार चलेगी नहीं और वो बर्डन भी हमारे ऊपर आएगा। अभी राहुल गांधी जी ने बोला कि हम 72,000 रुपये हर साल हर महीने मोला के उसमें डाल देंगे हम आपके। अरे तुम कहाँ से डाल दोगे, तुम्हारी नौकरी लग रही है, तुम्हारी सर्विस आ रही है, तुम कहाँ से डाल दोगे पैसा? तुम जनता को पागल समझ रहे हो, जनता पागल नहीं है, जनता जागरूक है। आज भारत का बच्चा बच्चा जागरूक है, छोटे से बड़े तक सब जागरूक है, सब जानते। कहाँ से डाल दोगे, तुम्हारी पेंशन आ रही है, तुम्हारी जॉब लग रही है, हमारा ही पैसा तुम डालोगे, हमारा पैसा ही डाल के तुम जो हमको दोगे। कोई कोई किसी को फ्री में, देयर इज नो लंच फ्री इन दिस वर्ल्ड, इन संसार में कोई मुफ्त का खाना नहीं खिलाता, सब जानते हैं इस बात को। और मेरे देशवासियों, अपनी आंखें खोलो, आप मुर्दे मत बनो, ये वीरों का शहर है। मैं फिर कहता हूँ कि ये वीरों का देश है, यहाँ बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं, आप उन्हीं की संतान हैं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं ना ही मेरा कोई राजनीति से मतलब है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि आप एक उच्च राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। हमारी हर वोट एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। और वो सिर्फ एक ही आदमी है जो नरेंद्र मोदी जी। अब कहते हैं लोग, अरे 5 साल तो इन्होंने गड्ढे भरने में लगाए, सड़क में जब गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं तो पहले उसे भरा जाता है, फिर उसके बाद विकास किया जाता है, विकास साफ दिख रहा है। ये नहीं चाहते कि एक सच्चा और ईमानदार नेता, एक राजा आए इस देश में, प्रधानमंत्री दोबारा बने, क्योंकि ये इन्हें पता है कि अगर वो सच्चा इंसान अगर उस गद्दी पे बैठ गया तो वो तुम्हारा सबका पर्दाफाश कर देगा। तुमने जो 800-800 करोड़, 1,000-1,000 करोड़ रुपए, 2,000-10,000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी संपत्ति जब्त कर रखी है, एशिया की चौथे नंबर की महिला मायावती जी कहाँ से आई? ये कोई राजा की बेटी थी, कहाँ से आए इनके पास पैसे? इनका सबका इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 2-3 पीढ़ी पुराना उठा के देख लो सबके इतिहास, सबकी पता चल जाएगी कि किसके पास कितना पैसा था। चलो वो तो ठीक है, वो तो पैसा सभी कमाते हैं। हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो कोई देशभक्ति बहुत कम लोगों के लिए है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए बिजनेस है, प्रोफेशन है। तो बिजनेस में तो आदमी कमाएगा ही ना, कोई अगर वैसे भी बिजनेस कोई शुरू करता है कमाने के लिए ही करता तो है। मोदी जी ने तो जो तो जिन लोगों के लिए ये राजनीति प्रोफेशन है तो वो तो पैसा कमाएंगे, और वही उन्होंने किया है, लोगों ने कमाया है। लेकिन देश, ये मोदी जी जो हमारे बैठे हैं, इन्होंने तो पैसा नहीं कमाया जब से सरकार आई है। बताओ उनके किसी एक मंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप। अभी लोग कहते हैं कि सरदार पटेल जी की 300 करोड़ की मूर्ति बना दी। अबे मूर्खो, जो जिस सरदार पटेल ने हमारी सारी रियासतें एक कर दी थी, क्या उसका नाम इन्होंने, कांग्रेस वालों ने कभी रखा था? आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ियां हम उन्हें भूल जाती, इसीलिए इनको उन्होंने जो है सरदार पटेल जी की मूर्ति बनाई। और जब ये मायावती जी वहाँ हाथी बना सकते हैं 2,100 करोड़ रुपए में, 1,000 करोड़ रुपए में, 300 करोड़ रुपए में, अगर इन्होंने वो बना दी सरदार पटेल की, वो हमारी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, इनकी सबकी मूर्ति बननी चाहिए और इनकी सबकी मूर्ति घरों में लगनी चाहिए, जिससे कि पता चले हमारे आने वाली पीढ़ी को कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है। आज जो हम आजादी की सांस ले रहे हैं, वो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और आपका जो है मंगल पांडे, और ये हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, इनकी वजह से ले रहे हैं। तो हमें पता चलना चाहिए कि इन लोगों ने, इनका आज तक किसी भी, पहले नैतिक शिक्षा जब मैं बचपन में पढ़ता था, एक मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा का एक पार्ट होता था, आज वो भी खत्म हो गई है।
क्योंकि हमारा इतिहास ये भुलाना चाहते हैं कि हमारा इतिहास क्या था, और हमारी जनरेशन उन्हें ना पहचान पाए, और हमारी पहचान खत्म करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो मैं अपने प्यारे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं हिंदू हूँ और मैं भारतीय हूँ। पहले भी जो विदेशी ताकतों ने हमें तोड़ के राज किया है और अब भी वही चल रहा है, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर ये हमारे राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन पहली बार एक मैं ये जो हमारा राजा है, ये प्रधानमंत्री मत समझो इसको, ये योगी है और इस पर परमात्मा की भी असीम कृपा है मोदी जी पर। उसको आप राजा क्यों कह रहे हो? राजा कैसे हो सकता है? जो वो तो एक प्रजातांत्रिक उसका वो है, मुखिया जो है। वो पुराने उससे वो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री को राजा ही कहा जाता है, किसी देश का अगर प्रधानमंत्री है तो उसको राजा से ही संबोधित किया जाता है, या प्रधानमंत्री आप जो भी कह लो आप, चलो वो तो खुद ही कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री अभी हमारे यहाँ राजशाही नहीं है, हमारे यहाँ लोकशाही है। ठीक है, लोकशाही में कोई राजा नहीं होता, राजशाही में राजा होते थे। चलो मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ, मैं एग्री हूँ आपकी बात से। उसको राजा किसी को भी मैं प्रधानमंत्री जी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, वो आज स्वयं खुद ये कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। जो भी प्रधान, मैं ये मानता हूँ कि किस जो आदमी पीड़ा को वही प्रधानमंत्री या जो ऊपर वही समझ सकता है जिसने वो पीड़ा भोगी हो, और जिसने ना भोगी पीड़ा वो किसी की पीड़ा को नहीं समझ सकता है। तो विदेश में पढ़े हैं सारे, विदेश में रहे हैं, इन्हें हिंदुस्तान के कल्चर की क्या पता कि हिंदुस्तान में आदमी कैसे सफर कर रहा है, एक इंसान कैसे बस में भीड़ में खड़ा है, एक इंसान कैसे लाइन में खड़ा होकर टिकट ले रहा है, एक किसान कैसे खेत में खड़ा होकर रात को पानी लगा रहा है, उसे ये नहीं पता कि तेरी मौत कब आ जाए, कब सांप बिच्छू से डस काट लें और उसका जीवन समाप्त। एक हमारा सैनिक वहां सीमा पे खड़ा हुआ है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। क्योंकि यहाँ इंसान जन्मजात स्वार्थी होता है, लेकिन इनका स्वार्थ 100 लेवल से भी 100% से भी ऊपर है। हम देख सकते हैं इनके मन में काफी आक्रोश है व्यवस्था को लेके, राजनीतिकों को लेकर के, दलों को लेकर के ये सारा कुछ बाहर आ रहा है कुछ। और फाइनली आप क्या एक मैसेज एक लाइन में अगर देना हो तो क्या देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे देशवासियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को वोट दो और एक अच्छा राजा चुनो, एक अच्छा प्रधानमंत्री चुनो, ताकि आपका राष्ट्र और आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें और विश्व पटल पर हिंदुस्तान का नाम रोशन हो चुके हो सकता है। इसके लिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, या इसको प्रार्थना मान लो मेरी, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाएं और उन्हीं को वोट दें, और अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्रहित में सोचें। बस राष्ट्रहित ही आपके अंदर होना चाहिए, वरना देश आप वोट देकर जब बाहर निकलेंगे आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ हमने सत्य, जहाँ आत्मा होती है शरीर में एक आत्मा होती है वो बताती है तूने गलत किया सही किया, आपको आप आंख मिला सको, अपने परिवार से आंख मिला सको, अपने बच्चों से आंख मिला सको कि हम सही सेलेक्ट, जहाँ वोट देकर आए हम खुश है, हमारा परिवार खुश है। धन्यवाद जी, आपके विचार जनता तक पहुँचे ऐसी कोशिश रहेगी, और जहाँ तक भी पहुँचेंगे तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने प्यारे सभी देशवासियों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी से कि ये मोदी जी का विजय रथ है, इसे पूरी कौरव सेना मिलकर इस रथ को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये सत्य का रथ है और सत्य का रथ कोई नहीं रोक सकता, ये सत्य का रथ है, ये कोई नहीं रोक सकता, ना पूरी कौरव सेना मिलकर भी इस रथ को नहीं रोक सकती, स्वयं हरि इनके साथ है। ओके, धन्यवाद। हरि मेरा भी नाम है, मैं भी आपके साथ हूँ। ओके, धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भोले देशवासियों, ये जो हिंदुस्तान का हर बच्चा बड़ा सीधा और बड़ा सच्चा है, बड़ा भोला है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने हृदय से कि अभी हमारे यहाँ एक कानून बनना चाहिए कि जो हमारा पूरा देश जिसको चुनकर वहाँ पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त करता है, उसके लिए कानून बनना चाहिए कि उसके प्रति कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। ये मैं मांग रखता हूँ अपनी कि एक प्रधानमंत्री
के लिए जो अभद्र भाषा का, जैसे अभी जो मोदी जी के लिए चोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। यह एक एक प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग अब नहीं कर सकते, इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और अभी जो है प्रियंका जी जो कांग्रेस की तरफ से आई हैं, अभी उन्होंने सोचा कि पब्लिक की आंखों में धूल झोंक दो, और प्रियंका पब्लिक तो पागल है, हिंदुस्तान का आदमी कुछ जानता नहीं है, सब काले चश्मे पहन के रहते हैं, सब बंदे हैं, सब बहरे हैं, सब गूंगे हैं, ये जो इनका भ्रम है, इनका भ्रम ये इस इलेक्शन में ख़त्म हो जाना चाहिए। इन्होंने सोचा कि प्रियंका जी को ला के, अरे प्रियंका जी को तो जब तो प्रियंका जी कहाँ थी, जब कहाँ सोई हुई थी घर पे, जब रॉबर्ट वाड्रा में किसानों की जमीन का जो है फ्री में जमीन ले रहे थे, और आज जो एक जो जो एक छोटे से कारोबार से आज कहाँ पहुंचे, हजारों करोड़ के मालिक बन गए, तब प्रियंका गांधी जी नहीं थी क्या, तब नहीं बोली वो क्या तुमने ये किसानों की जमीन छीन ली है, तब तो प्रियंका गांधी जी कहीं सो रही थी क्या, आराम फरमा रही थी। तो मेरा जो है मैं यही कहूँगा कि जो है इस जो आप प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द का, इसके लिए कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। और मोदी जी का विजय रथ है, इसे कोई कौरव सेना नहीं रोक सकती, ये सत्य का रथ है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में सोचो, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के लिए ही हम जीते हैं और राष्ट्र के लिए ही मरते हैं, ऐसी भावना अपने अंदर लानी चाहिए। और याद करो उन शहीदों को, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वादिया, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से ये सज्जन, जिनके मन में इतना आक्रोश है सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, और उन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाल ली है। तो अभी जो लोग भी इसको देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कम से कम कुछ इससे सबक लेंगे, और आने वाले टाइम में जब भी वो वोट करेंगे सोच समझ के करेंगे। तो इसी ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, उसी को दोबारा दबा दें।